फाइव स्टार होटल में रुकवाना, जेड श्रेणी की सिक्योरिटी लेना, बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलना, कश्मीर में बॉर्डर तक जाना, कई संवेदनशील जगहों पर पहुंच जाना, यह सब कुछ दावा है कि किरण पटेल ने खुद को पीएमओ का अफसर बताकर किया। 5 महीने बाद इस जालसाज को इस महीने 2 मार्च को गिरफ्तार किया गया। इस फर्जी अधिकारी का भेद कैसे खुला, अब आप ये जानिए। गुजरात के अहमदाबाद से श्रीनगर की दूरी 1670 किलोमीटर। इन दोनों के बीच किरण पटेल की जालसाजी का पूरा खेल। एक तरफ अहमदाबाद में उस किरण पटेल का घर जो नकली आईएएस बनकर असली कलेक्टरों को नचाता रहा। किरण पटेल की पत्नी मालिनी यहाँ मिलती हैं। इनसे पूछा गया कि आपको पता है आपके पति कितने बड़े ठग हैं और उनकी ठगी का खेल क्या है। मेरे हस्बैंड डेवलपमेंट के लिए ही गए हैं वहाँ पे, कुछ हाँ। उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया, वो इंजीनियर है, मैं डॉक्टर हूँ, उनको कुछ बुरा भी करना नहीं किसी के साथ। पत्नी डॉक्टर, पति इंजीनियर, लेकिन आरोप पति पर बड़े जालसाजी के और खेल इस तरह खुला। सूत्र बताते हैं कि फर्जी अधिकारी बनकर अब तक काफिले में एक जैमर गाड़ी किरण पटेल जम्मू कश्मीर में पाता रहा। सूत्र कहते हैं कि इस बार फर्जी आईएएस बनकर घूमते किरण पटेल ने 2 जैमर गाड़ी देने को कहा। दावा है कि तब सीआईडी को शंका हुई कि ये अधिकारी असली है या नकली। इसके बाद 2 मार्च को सीआईडी ने किरण पटेल के कश्मीर आने की सूचना दी। 5 स्टार होटल के कमरे में ही किरण पटेल से पुलिस ने पूछताछ की, जहां पुलिस के सामने दावा है किरण पटेल का फर्जीवाड़ा टिक नहीं पाया। 2 मार्च को गिरफ्तारी के बाद 15 दिन की रिमांड पुलिस ने हासिल की, जिसके बारे में अभी तब पता चला जब दोबारा रिमांड लेने की बारी आई। अब इस जालसाज के आरोपी के वकील को सुनिए, ये कुछ और कहानी भी बताते हैं। किरण भाई पटेल है, ये यहाँ कश्मीर विजिट के लिए आया था। इसके साथ जो इसके दोस्त हैं, तो वो वहाँ पॉलिटिक्स से इस यहाँ गुजरात में मुंसलिक है, वो वहाँ पॉलिटिकल बंधु के बेटे हैं आधे, तो ये उनके साथ आया था इधर घूमने के लिए। तो बाय दैट मीन्स कि उनको ये सिक्योरिटी कवर बेसिकली मिला था। जांच ये भी होनी है कि किरण पटेल ने सुरक्षा घेरा लेकर क्या क्या किया, और जो अधिकारी इस ठग के खेल को नहीं समझ पाए उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो। कमलजीत संधू और सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ पानी, श्रीनगर आज तक।